हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन रीजनिंग का, जो कि एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछा जाता है। और आज के बाद मैं चैलेंज देता हूँ, आज के बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे पहले दिशा को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दिशा को ध्यान रखेंगे। देखिए, इधर लिखेंगे वेस्ट, ईस्ट, इधर लिखेंगे वेस्ट, ऊपर लिखेंगे नॉर्थ, नीचे लिखेंगे साउथ। ठीक है, जैसे ही आप बैठे रहें, जिधर आपका दाहिना हाथ रहे, याद रखिएगा, जिधर आपका दाहिना हाथ रहे उधर ईस्ट कर दीजिएगा, और बायां हाथ तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। जैसा जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से शुरू होता है मान लिया हमने, और उत्तर की ओर यहाँ पर हमारा 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बोल रहा है फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है। याद रखिएगा, दाईं किधर है, जिधर हम बैठे रहेंगे हाथ से देख लेंगे, दाईं तरफ 2 किलोमीटर चलता है। मैंने क्या किया, दाईं तरफ 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है फिर से दाईं ओर चलता है, इधर बैठा है, ठीक है, इधर मुंह है तो दाईं किधर होगा, इधर, फिर वो दाईं की तरफ चलता है। अब बोल रहा है कि अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है, अब आप ही लोग बताइए। यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, सॉरी देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर दाहिने गया, फिर दाहिने गया, अब वो किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं यहाँ पहले इसीलिए बोला था कि लिख लीजिए क्या है, साउथ। तो अब किसका सामना कर रहा है, किस दिशा का सामना कर रहा है, तो साउथ का सामना कर रहा है। इधर कौन सी, या यहाँ भी हम लोग देख लेंगे यहाँ से बना के। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ बना के हम देख लेंगे। तो इधर हमारा ईस्ट है, इधर मैंने वेस्ट बताया था, ऊपर नॉर्थ बताया था, नीचे साउथ बताया था, तो किस दिशा का सामना कर रहा है, साउथ का सामना कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, साउथ हमारा दक्षिण आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार और दूसरा क्वेश्चन लेकर समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आपको मतलब इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको पक्का चैलेंज दे रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे ईस्ट, सॉरी, यहाँ है हमारा ईस्ट, वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। ठीक है, अब बोल रहा है एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। याद रखिएगा, शाम, शाम को सूर्य किधर होता है, पश्चिम साइड में होता है। तो एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, मतलब सूर्य की ओर चलता है शाम को, तो समझ जाइए किधर, पश्चिम में चलता है वो। ठीक है, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घुमा, ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। शाम बोला है, शाम को सूर्य होता है पश्चिम साइड में, तो पश्चिम चला। ठीक है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घुमा, थोड़ी दूर चलता है और किधर, वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है। इधर कोई आदमी बैठा है इधर, तो दाएं किधर होगा, इधर होगा। बोला है थोड़ी दूर चलकर वो अपने दाईं ओर घुमा, फिर बोल रहा है और फिर थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घुमा, इधर जा रहा है, फिर इधर से क्या करेगा, दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अब बोल रहा है अब उसका मुंह अब किस दिशा में है। ठीक है, एक बार और समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, बोला एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, सूर्य की ओर चलना शुरू किया पश्चिम में। ठीक है, फिर बोल रहा है वो थोड़ी दूर चलकर अपनी दाईं ओर घुमा, थोड़ी दूर चला और दाईं ओर घूम गया। ठीक है, फिर बोल रहा है और फिर थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घुमा, फिर वो थोड़ी दूर चलकर वो अपने दाईं ओर घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब आप ही लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। ये कौन सी दिशा है, इधर ईस्ट है, तो हमारा क्या होगा आंसर, पूर्व में, सॉरी, पूर्व में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। बोल रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम चला, यहाँ हम लेते हैं पश्चिम चला पीटर कितना, 8 किलोमीटर मैंने मान लिया। अब बोल रहा है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है हमारा। ठीक है,
फिर से वो दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर से वो दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु से कितने दूर है? शुरुआती बिंदु हमारा जो है यहाँ, याद रखिएगा, शुरुआती बिंदु से ये बिंदु जो है हमें निकालना है। तो हमें निकालना है तो पहले इसको मिलाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बन गया ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा बन गया ट्रिपलेट, ठीक है। तो हमारा जो ये है, ये और ये बराबर है, तो यहाँ कितना है? तीन, तीन मैंने ले लिया। ये है आठ, ये है बारह, तो बारह में से आठ जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा चार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कर्ण हमें निकालना है, तीन और चार दिया है, तो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा? तीन तरीका नौ, अच्छा सोलह नौ पच्चीस, ये हमारा आ जाएगा पाँच आ जाएगा आंसर, ठीक है। ट्रिपलेट भी हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ऐसी इतना करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिपलेट याद रखिए, तीन चार यहाँ होता है पाँच, ये हमारा आंसर, ठीक है। एसएससी वालों के लिए ट्रिपलेट याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यार, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ आपको वीडियोज़ मिलती रहती हैं, रीजनिंग और मैथ की वीडियो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से हम वही लिख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, रंगा अपने घर से दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है, मान लीजिए रंगा का घर हो गया, यहाँ से 60 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर है? इधर है, दक्षिण की ओर 60 मीटर चलता है। फिर बोल रहा है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़ता है इधर, और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चलता है, यह हमारा पूरा 60 मीटर था, ठीक है। अब बोल रहा है, अब वो रुक जाता है, अब वो अपने घर से कितनी दूर है? घर कहाँ है उसका? घर यहाँ है, घर से यहाँ पर कितनी दूर है ये? तो हमें जो है यही निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये जो है, ये हमारा पूरा जो है ये 60 है, 60 है, इसमें से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 30 हमारा बचेगा, ठीक है, 30 यहाँ बच गया, ये 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा, 30 40 50 ट्रिपलेट इसमें भी बनता है, ठीक है, जैसे 3 4 5 उसमें बना था, 30 40 50 इसमें बनता है। लेकिन मैं आपको 30 40 का निकाल के दिखा देता हूँ, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे आकार स्क्वायर, तो लंब कितना है? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1600, 2500 रूट अंडर आ जाएगा, तो 2500 का रूट अंडर हमारा कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है, 50 हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन समझा कीजिए, मेरी बातों को समझा कीजिए, ठीक है, लिखावट मत समझिए, आप लोग खुद बना लीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपको वादा करता हूँ। अगर आप लोग एक बार समझ गए हैं, अगर वीडियो समझ नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम लिख रहे थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, लिख लेंगे हम, उसके बाद चलते हैं। बोल रहा रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, तो रवि यहाँ है मान लेते हैं हम, रवि यहाँ है पूर्व दिशा में चल रहा है, एक किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कितना चल रहा है? एक किलोमीटर। फिर बोल रहा है एक किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो 45 डिग्री बाएं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये 45 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। फिर बोल रहा है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या राइट लिख देंगे, यहाँ पर कोई बात नहीं, लेफ्ट राइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिख दिया, आप राइट लेफ्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब बोल रहा है अब वो किस दिशा में है, ये देखिए ये क्वेश्चन हमेशा 45 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज में से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज में से घटाएंगे, या 90 डिग्री राइट में से 45 डिग्री लेफ्ट घटाएंगे तो 45 डिग्री हमारा राइट आएगा या क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है वो पूर्व में चल रहा था, ये याद रखिएगा, वो
पूर्व में चल रहा था, पूर्व में चल रहा था, पूर्व से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये हमारा, सॉरी ये हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। समझिए, 1 किलोमीटर पूर्व चल रहा था वो, मैंने पूर्व उसको चला दिया, अब बोल रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाएंगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज पूर्व में जा रहा है, 45 डिग्री उसको घुमाएंगे इधर, तो ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा, तो मतलब साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।